गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आपके सामने आया हूँ। टाइप वन के क्वेश्चन हैं, ठीक है। एंड वही खुशखबरी आपको बतानी है कि मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, बिल्कुल आपको मिल जाएगा उस चीज़ को, तो आप सीरियसली पढ़े। हाँ, सबसे पहला काम वो जो क्लासेज होंगी वो मिल जाएगी आपको वीडियो लेक्चर, प्ले लिस्ट में चेक कर लेना भाई। अपना रजिस्टर और पेन लेके बैठो, अगर आपको लेक्चर पढ़ना है सीरियसली रजिस्टर पेन लेके बैठो, गारंटी मेरी है कि प्रॉपर नोट्स बनवाऊंगा, ठीक है। आप देख भी रहोगे प्रॉपरली। अच्छा, किसी के मन में आ रहा हो सर हमारे सामने क्यों नहीं लिखता, पहले क्यों लिख के रखते हो, तो भाई सीधी सी बात, अगर लिख के रखूँगा तो आपका टाइम बचेगा थोड़ा, ठीक है, ताकि कम छोटे वीडियो लेक्चर में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ओके, तो पेन कॉपी लेके बैठो। अब आती है बात कल के होमवर्क पे, ठीक है। तो होमवर्क के जो क्वेश्चन हैं आप सुनो भाई, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पढ़ने से पहले, क्योंकि देखो मैं एक साथ में दो दो वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आपको करना क्या है कि जैसे ये वाला वीडियो लास्ट वाला पढ़ा, आपको तुरंत आंसर उसके बाद में कमेंट सेक्शन में डाल दो और फिर नेक्स्ट वीडियो पे मूव करोगे, ठीक है। और एक रेगुलरिटी से पढ़ोगे, क्योंकि अगर आप रेगुलरिटी से पढ़ोगे तो मैं रेगुलरिटी से बनाता रहूँगा। ओके, तो कल वाले होमवर्क में फटाफट से आंसर देख लेते हैं, मेंटली करेंगे इस चीज़ को कि एस का दाएँ से स्थान बताओ। एस का दाएँ से स्थान बताना है आपको, तो एस हम जानते हैं कि 19 होता है बाएँ से, ठीक है। 9 छुपा होता है इसके अंदर, बता देता हूँ एक बार, ये 9 छुपा होता है इसके अंदर, ठीक है। अगर 19 यहाँ से होता है तो पीछे 27 माइनस 19 आठवां नंबर आ जाएगा, आप चेक कर लो इस चीज़ को, ठीक है। यानी बाएं से इसका होता है 19, तो दाएं से हो जाएगा इसका आठवां। एल का बाएं से स्थान, अगर ये किसी ने गड़बड़ की हो तो ध्यान देना भाई, क्वेश्चन में मैंने दाया नहीं पूछा, मैंने सिंपली बायां पूछा, और बाएं से हम जानते हैं एल का क्या होता है। देखो एल में क्या छुपा होता है, तो एल का बाएं से स्थान 12वां होता है, और मैंने बायां ही पूछा था, तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट था क्वेश्चन में कि सिंपल क्वेश्चन को बीच में डाल दिया मैंने, ठीक है। पी का दाएं से स्थान, तो पी का बाएं से 16 होता है, पीछे से 27 माइनस 16, देखो इसका 16 होता है, और 27 माइनस 16 करोगे तो 11 आ जाएगा पी का, और आप आंसर चेक कर लेना इसका, ठीक है। उसके बाद में एन का बाएं से, देखो फिर मैंने बायां डाल दिया है, दाया बाया, ताकि कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो। एन का बाएं से हमें पता है एन में देखो ये ऐसा होता है, तो 14 होता है ये, तो बाएं से इसका स्थान क्या हो जाएगा, 14। आप अपना आंसर चेक कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं आज के टाइप पे, टाइप वन बिल्कुल हलवा टाइप लेके आया हूँ आपके सामने, उसके बाद हम टाइप टू पे मूव करेंगे, तो ये आप अपने आंसर टैली कर लेना इस चीज़ को। ओके, फर्स्ट का आ जाएगा आपका 8, फिर 12, 11, 14। ओके, नाउ हाँ जी, अब टाइप वन के लिए कुछ नोट्स नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन अब तक हमने पढ़ी है उसी का यूज़ करेंगे और टाइप वन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्या लिखा हुआ है, बहुत सिंपल है, दो तीन मिनट का टाइप है बस ये। बाएं से 12वां, हमें पता है बाएं से 12वां कौन होता है, एल होता है, ठीक है। बाएं से 19वां, एस होता है, ओके। दाएं से 15वां, मुझे दाएं से याद नहीं है, जो मैंने नंबर याद किए, कहोगे सर आपने जो बनवा के बनाए थे, इमेज बनवाई थी माइंड में, वो नंबर बाएं से बनवाई थी आपने, कि ऐसे लिखेंगे तो क्या होता है, तो कोई बात नहीं, हम ऐसे लिखेंगे क्या होता है जानते हैं ना, तो हम इस क्वेश्चन को चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, दाएं से 15वां लिखा हुआ है तो बाएं से कितना होगा, हमें अभी अभी हमने सीखा बाएं से होगा 27 माइनस 15 बराबर 12। अब मुझे बताओ बाएं से 12वां कौन सा होता है, बाएं से 12वां एल होता है, समझ गए। यानी दायां था क्वेश्चन के अंदर, मैंने उसको बाएं में बदल लिया, क्योंकि मैं बाएं से, लेफ्ट से जानता हूँ कितना होता है भाई, जो आपने याद किए हैं कि A1 होता है, B2 होता है, C3 होता है, लेफ्ट से होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी तुरंत मैंने, और ये लिख के कर रहा हूँ अभी, दो क्वेश्चन में लिख के होता, फिर मेंटली कर लेंगे। दाएं से 7वां, तो आप मन में ही करना, तो बाएं से कितना हो जाएगा, 27 माइनस 7 बराबर 20, और बाएं से 20 क्या होता है, T20। अच्छा, इसका डायरेक्ट आंसर लिखें, दाएं से 22वां, तो बाएं से 27 माइनस 5, और पाँचवें पे क्या आता है, E। दाएं से 5वां, 27 माइनस 5 22, यानी बाएं से 22वां, और बाएं से 22वां क्या होता है, UV, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ एक बार कि दाएं से 22वां है तो बाएं से ये 27 माइनस 22 बराबर 5, और 5 होता है ई, ठीक है।
दाएं से पांचवा, हम तो बाएं से जानते हैं भाई, बाएं से हो जाएगा 27 - 5 = 22, और 22वां क्या होता है, वी, यू वी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इस टाइप के समझ में क्या आया, देखो ये एक सिंपल सा लॉजिक है, मोस्टली आप देखना कंसेप्ट इस चैप्टर में जो चलने वाले हैं, मैं आपको ज़्यादा चीज़ें रटवाऊंगा नहीं, जो कि आपने देखा भी होगा फर्स्ट वाले चैप्टर के अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं रटवाई थी मैंने, ठीक है, हमने डायग्राम बनाकर समझ लिया। अब आप सोचो इस चीज़ में क्या टाइम लग रहा है करने में, बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा, हमें पोजीशन ध्यान देना कि मैं जानता हूँ जो पोजीशन, मैंने 1, 2, 3 L12 होता है, K11 होता है, N14 होता है, R18 होता है, S19 होता है, ये सारी चीज़ मैंने लेफ्ट से याद की है, क्योंकि हम ABCD ऐसे ही लिखते हैं, आप ABCD जनरली ऐसे ही लिखते हो, तो हमारा क्रम ही लिखने का है बाएं से, तो जो मैंने पोजीशन याद की बाएं से है, तो अगर बाएं से डायरेक्ट पूछा तो मैं लिख दूंगा इस चीज़ को, बट अगर मुझे दाएं से पूछ रहा है वो चीज़, ठीक है, तो मैं दाएं से क्यों फालतू की याद करूं? कुछ लोग कहते हैं कि पीछे से भी याद कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, आप दाएं छोड़ो ना यार, बाएं में कन्वर्ट करो। अभी मैंने आपको लॉजिक समझाया था पिछले वीडियो के अंदर कि 27 माइनस कर दो, और 27 वाला फैक्टर कहाँ से आया था वो भी मैंने आपको बताया था कि किसी के दोनों क्रम होते हैं वो 27 होता है उनका जोड़, ठीक है। तो तुरंत दाएं वाले को बाएं में कन्वर्ट किया, और मेंटली करेंगे दाएं से 15वां, बाएं से 27 - 15 = 12 L, 7वां 27 - 7 = 20 T, 22वां 27 - 22 = 5 E, 5वां 27 - 5 = 22 V। कितना टाइम लगा करने में? हार्डली इन 6 के 6 क्वेश्चन करने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये आपका टाइप 1 कंप्लीट होगा, आप उसको नोट करो, फिर मैं टाइप 2 के क्वेश्चन करवाता हूँ। हाँ जी, तो टाइप 2 के क्वेश्चन लेके आया हूँ कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं क्रमिक रूप से लिखा जाए, हमें बाएं से दाएं ही चल रहे हैं, यानी लेफ्ट टू राइट अगर आप लिख रहे हो इसको, तो आप देख रहे हैं इन क्वेश्चन को देख के आपका मन खुश हो जाएगा, जिसने भी चैप्टर 1 को अच्छे से पढ़ा है उसको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इसमें, और जिसने नहीं पढ़ा है चैप्टर 1 तो उसे रिक्वेस्ट यही है कि चैप्टर 1 को वीडियो लेक्चर 1 से पढ़ लेना, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, 2.5 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है मैंने, ठीक है। अब जरा ध्यान दो इस चीज़ के ऊपर, कोई बाएं दाएं से कंफ्यूज नहीं होना है, हम तो जैसे चैप्टर 1 कंसेप्ट है वो लगाएंगे। बाएं छोर से 11वां, बाएं छोर से 11वां वो चला था हमारा, बाएं छोर से कितने पे आ गए हम, 11 पे आ गए, के दाएं चौथा, इसके दाएं और दाएं, चलो बायां छोर ये होता है, इससे 11वां और उसके दाएं, यानी आप अगर यहाँ चलते चलते ऐसे खड़े हुए हो तो अभी आपका दायां इस साइड ही है, इसके दाएं कितना आपको चलना है, चौथा। अब मुझे ज़रा बता दो, आप 11 कदम यहाँ से चले बाएं छोर से चलते चलते और दाएं 4 और चल दिए, बाएं छोर से 11वां के दाएं चौथा, तो आपके टोटल कदम कितने हो गए, 15, यानी आप कहाँ पहुँच गए, 15वीं पोजीशन पे पहुँच गए, कहाँ से, बाई तरफ से, लेफ्ट साइड से 15वीं पे पहुँच गए। लेफ्ट से 15वें नंबर पे कौन होता है हमारा भाई, ई जो टी ओ होता है, सिंपल, समझ में आ गया। बाएं छोर से 11वां चला, उसके दाएं चौथा चला, तो 11 + 4 = 15 लिख देता हूँ, 11 कदम और 4 कदम, 15 कदम आपने चले, 15 कदम पहुँचे, 15 कदम पे कौन बैठा होता है, ओ बैठा होता है, सिंपल है। बाएं छोर से 13वें के दाएं 7वां, आप देखो मेंटली कैसे करेंगे, बाएं से 13 चले, उसके दाएं 7, 13 + 7 = 20, 20 पे कौन बैठा होता है, टी बैठा होता है, ठीक है। फिर वो डिटेल में करते हैं, बाएं छोर से 13वां, उसके दाएं 7वां, आप टोटल यहाँ से 13 + 7 = 20 पहुँच गए, और 20वें नंबर पे कौन बैठा होता है, टी बैठा होता है, इधर से 20वें पे टी होता है, ठीक है। बाएं छोर से 12वां के दाएं 8, बाएं से 12 कदम और फिर 8 कदम चल लिए, 12 + 8 = 20, अगेन क्या आ गया, टी आ गया, 12 कदम, ठीक है, उसके बाद में 8 कदम, टोटल कदम आपके हो गए 20, 12 + 8 = 20, ठीक है, और 20 कदम, 20वें नंबर पे कौन बैठा होता है, टी बैठा होता है, सिंपल है। फर्स्ट चैप्टर जिसने किया उसको तो मज़े आ रहे होंगे करने में चीज़, ठीक है। कमेंट में लिख के ज़रूर बताना भाई, अगर आपको अच्छा लग रहा हो चीज़ तो कमेंट लिख दिया करो यार, थोड़ा अप्रिशिएशन मिल जाएगा इस चीज़ का। हाँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पता है टाइम क्या हो रहा है, अभी रात को 11 बज रहा है, 11 बजे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, दिन में जॉब कर रहा हूँ, उसके बाद आके आपके लिए रिकॉर्डिंग करके बना रहा हूँ, ओके। तो अगर आपको लगता है कि अच्छा कर रहा हूँ जो भी है, अगर ख़राब भी हो कुछ इम्प्रूवमेंट का हो वो भी कमेंट में लिख देना, ठीक है। दाएं छोर से, अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, किसके लिए, जिसने अच्छे से रैंकिंग टेस्ट नहीं पढ़ा है, दाएं छोर से 13वां हमें कोई प्रॉब्लम नहीं जिसने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये डायग्राम मिटा देता हूँ, 1, 2, 3 के आप नोट कर लेना इसको। अब मैं 4th को थोड़ा डिटेल में अच्छे समझाने के लिए ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट है,
डिटेल में समझा रहा हूँ, कंसेप्ट एक बार समझ में आने के बाद में आप बहुत आराम से कर लोगे। दाएं छोर से तेहरवा, दाएं से तेहरवा, ये आपका दाया छोर होता है। यहाँ से चले कितने कदम चले, 13 कदम चल रही है, ठीक है। के बाएं सातवा, इसके बाद में आप कितना और चले, 7 कदम, ठीक है। यानी कि आप टोटल मिला के दाई तरफ से 13 प्लस 7 20वें कदम पे आ गए। कहाँ से आ गए, दाएं से। अब मुझे बताओ क्या मैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, दाएं से 20वां, बताओ। जो क्वेश्चन था दाएं छोर से 13वें के बाएं 7वां, दाएं से 13वें के बाएं 7वां, तो क्या दाएं से 13 प्लस 7 20 नहीं हो गया? तो जो क्वेश्चन जो अब तक हमने टाइप 1 में पढ़ा था दाएं से 20वां, क्या वैसा ही क्वेश्चन नहीं बन गया ये? और दाएं से 20वें का मतलब है हमें दाएं बाएं कुछ नहीं पता, सर आपने दाएं नहीं, हम तो बाएं से याद कर रखा है हमने, ठीक है। तो दाएं से बाएं कैसा निकाला जाता है, 27 माइनस 20, इसका मतलब ये हो गया बाएं से 27 माइनस 20 बराबर 7, और 7 पे बैठा होता है हमारा जी। किसी के मन में आ रहा होगा सर ये तो इतना लंबा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस नहीं है, इतना लिख के दिखा रहा हूँ, शॉर्ट में करके बताऊँ। दाएं से 21वां, दाएं से 21, उसके बाद में 10वां, उस एक मिनट ये थोड़ा सा ट्विस्ट है इसके अंदर, एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ आपको ये वाली चीज़ समझाने के लिए, ठीक है, कि जल्दी कैसे करते हैं। हाँ जी, दाएं से 21वां, और कहा थोड़ा सा चेंज करते हैं इसके अंदर, ये लो, ठीक है, एक नया क्वेश्चन बना दिया और जो क्वेश्चन था उसको 6th बना लेंगे। दाएं छोर से 15वां के बाएं 10वां, 15 कदम, उसके बाद 10 कदम, दाएं से पहुंच गए 25, इधर से नहीं जानता, 27 माइनस 25, 2, बाएं से दूसरे नंबर पे कौन आता है, बी आता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आई बात समझ में, दाएं से 15 के बाएं 10, तो दाएं से टोटल मिला के 25, से जल्दी करने का बता रहा हूँ, मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और उसके बाएं 10, तो 15 प्लस 10 25, दाएं तरफ से 25 हम नहीं जानते, हमारा क्वेश्चन टाइप में कन्वर्ट हो गया, दाएं से 25, दाएं से 25 को बाएं से कैसे निकालोगे, दाएं से 25 मतलब बाएं से 27 माइनस 25, 2, बाएं से 2 पे होता है बी, ठीक है। अब मैं वो क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो लिखा हुआ था यहाँ पे, कि दाएं से 21वें के दाएं 10वां, ये लिखा हुआ था। अब देखना ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, किस वे में, डायग्राम के फॉर्म में, कंसेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, और ये डायग्राम जिसने रैंकिंग टेस्ट अच्छे से किया है ये नोट कर लेना बेटा, ठीक है, उसको आता है कि हमें सर दाएं बाएं से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमने रैंकिंग टेस्ट अच्छे से पढ़ा है। तो जिसने नहीं पढ़ा वीडियो लेक्चर 1 से पढ़ लेना उसको। दाएं से 21वां, दाएं से 21 कदम के दाएं 10वां, दाई तरफ ये हो, देखो मैंने बताया था ये दायां तरफ होता है बाएं तरफ होता है, राइट लेफ्ट, दाएं से चले 21 और उसके दाई तरफ चल दिए 10। भाई एक बात बताओ मुझे, 21 कदम आया 10 कदम लौट गया, तो कहाँ बैठा हुआ है, 21 माइनस 10 बराबर 11 पे बैठा हुआ है। 21 कदम आया 10 कदम वापस चला गया, यानी कि अभी वो शुरू वाली चीज़ से 11 कदम आगे है, यानी ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया मेरा इस लैंग्वेज में कि दाएं से कौन से नंबर पे, 11वां, दाएं से 11वां, और दाएं से 11वां क्वेश्चन हम मन में क्या जानते हैं, एक्चुअल मन में तो खुश हो रहे होगे आप इस चीज़ को लेके, अरे तो बाएं से 27 माइनस 11 16 हो गया, और ये क्या होता है, पी होता है, तो हम जानते हैं इस चीज़ को, तो हमारा जाना पहचाना है भाई ये तो, ठीक है, ये हमारे परिवार का हिस्सा है, पी तो हमारे परिवार का हिस्सा आता है, समझ गए इस चीज़ को। तो क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे, रैंकिंग टेस्ट जिसने अच्छे से किया उसको तो मुझे लगता नहीं है कि डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम आ रही होगी। 21 कदम आए दाएं से, 10 कदम चले गए, यानी दाएं से अभी 11वीं पोजीशन पे है, दाएं से 11 हम नहीं जानते, हम तो लेफ्ट से जानते हैं, 27 माइनस 11, ठीक है, 16, आप इसको नोट करो। हाँ, आपको क्या लगा भूल जाऊँगा मैं, नहीं भाई याद रखा है मैंने, होमवर्क दे रहा हूँ, करके कमेंट में डाल देना, मैं भी डीट हूँ, ठीक है, कमेंट में डालना है मतलब डालना है, समझ गए। बाएं से पहला क्वेश्चन है, बाएं से 12वें के बाएं 4था, सिंपल है। सेकंड है दाएं छोर से 16वें के बाएं 5वां, ठीक है,
डाल देना कमेंट में। और बेटा कॉपी पेन लेके बैठा करो, पढ़ते टाइम पे पूरा डिटेल में आराम से पढ़ो, नोट्स बनाते रहो। आप लोगों के लिए मैं खुद प्रॉपरली नोट्स बना रहा हूँ ताकि कोई चीज़ मिस ना हो, ठीक है। बनाते टाइम पे जितनी चीज़ें कवर कर सकता हूँ मैं खुद कर रहा हूँ बैठ के, अलग अलग जगह से मिक्स करके, टॉपिक बना के, एग्जाम्पल बना बना के, उनका सोल्यूशन कर करके, ताकि मिस्टेक ना हो। ट्राई करूँगा आपको एरर ना मिले किसी चीज़ के अंदर। तो जब इतना एफर्ट मैं लगा रहा हूँ बैठ के, ठीक है, तो आप भी पढ़ तो सकते ही हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे कहीं कोचिंग जाने का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ऑनलाइन अवेलेबल कराया है। कंप्लीट चलेगा, मैं ट्राई करूँगा, पूरा करा दूँगा। रीजनिंग पर मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, ओके, मिल जाएगा आपको। तो एंजॉय करो, गुड नाइट, मिलते हैं।